व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतजार हुसैन मथरुमा। आज के लेक्चर में हम पैराडाइज लॉस्ट से लिए गए 100 एमसीक्यूज के ऊपर बात करेंगे। ये 100 एमसीक्यूज उन सब स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे जिन्होंने कोई भी एग्जाम देना है जो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो, पीपीएससी हो, एफपीएससी हो, एनईटी हो, यूजीसी हो या एससीटी हो, कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, उन सब स्टूडेंट्स को ये आज की वीडियो हेल्पफुल साबित होगी। या वो वाले स्टूडेंट जो बीएस ऑनर में हैं या वो एमए इंग्लिश कर रहे हैं, तो उनको भी ये वाली वीडियो बहुत ही खास तौर पे यूजफुल रहेगी, फ्रूटफुल रहेगी, जिनका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होना है, जिन्होंने एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट देने हैं। तो आप सब लोग आज की वीडियो को मुकम्मल तौर पे देखना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, विच एंजल डज सैटर्न ट्रिक बाय डिस्गाइसिंग हिमसेल्फ एज अ चेरब। ऑप्शंस हमारे पास है मिकाइल, यूरियल, रिफाइल एंड एब्डियल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन बी, जो कि बोल्ड भी किया गया है। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश्ड। ऑप्शंस आपके पास चार दिए गए हैं और उनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है 1667। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी बुक्स वर देयर इन फर्स्ट एडिशन। तो फर्स्ट एडिशन में 8 बुक्स थी, 10 थी, 12 थी या 14 थी। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है 10 बुक्स। पहले एडिशन में 10 बुक्स थी और उसके बाद जो सेकंड एडिशन था उसमें 12 हुई थी। सेकंड एडिशन पब्लिश्ड इन विच ईयर, 1668, 69, 70 या 74। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है 1674। फर्स्ट एडिशन जो है वो 1667 में पब्लिश हुआ था और सेकंड एडिशन 74 में। हाउ मेनी बुक्स वर देयर इन सेकंड एडिशन। तो सेकंड एडिशन में बुक्स कितनी थी, 10, 12, 14 या 16। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, 12 बुक्स। इट इज अ डैश पोएम, शॉर्ट पोएम, एल्जियक पोएम, लिरिक पोएम या एपिक पोएम। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है एपिक पोएम। तो ये एक एपिक पोएम है, यानी ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। उसके बाद हमारे पास है, इट वॉज रिटन इन डैश फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, ओड स्टाइल या नन। तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डज सैटर्न नॉट टेक। एंजल, टोड, कॉर्मोरेंट, ही टेक्स ऑल ऑफ दीज फॉर्म्स। तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, इन व्हाट बुक डज द फॉल टेक प्लेस, बुक 8, 10, 9 या 7। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है बुक 9। तो जो फॉल है वो बुक 9 में टेक प्लेस हुई। इन विच बुक ऑफ द बाइबल डज द स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव अकर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास है वो है ऑप्शन सी, जेनेसिस। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, विच डेविल एडवोकेट्स अ रिन्यूअल ऑफ ऑल आउट वॉर अगेंस्ट गॉड। तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट ऑप्शन है, मौला। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है विच वन इज द लॉन्गेस्ट बुक, बुक 1, 7, 9 या 10। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है बुक 9, बुक 9 इज द लॉन्गेस्ट बुक। विच वन इज द शॉर्टेस्ट बुक, एंड तो बुक 3, बुक 5, 7 या 10। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है बुक 7, बुक 9 इज द लॉन्गेस्ट बुक, बुक 7 इज द शॉर्टेस्ट बुक। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज मिल्टन्स स्टेटेड पर्पस इन पैराडाइज लॉस्ट, टू असर्ट हिज सुपीरियरिटी टू अदर पोएट्स, टू आर्गू अगेंस्ट द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन, सी टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, टू मेक हिज स्टोरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। और ऑप्शन सी हमारे पास राइट ऑप्शन है, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, Which of the following is not a character in Paradise Lost?
नाइट, एग्नी, डिस्कार्ड या डेप्थ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है एग्नी। बाकी जो तीनों हैं वो इसके अंदर करेक्टर मौजूद था। वट इज द सब्जेक्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? फॉल ऑफ सैटर्न, एडम एंड ईव डिसोबीडियंस, क्रिएशन ऑफ अर्थ, कंस्ट्रक्शन ऑफ हेल। जो मेरे पास राइट ऑप्शन है वो है एडम एंड ईव डिसोबीडियंस। नेक्स्ट, विच एंजल वील्ड्स अ लार्ज स्वॉर्ड इन द बैटल एंड बॉन्ड्स सैटर्न? तो राइट ऑप्शन हमारे पास है मिकाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ हेल? कैपिटलिस्ट, बाल्टलिज्म, पेंडोलियम या पेंडामोनियम। जो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है डी, पेंडामोनियम। व्हेन सैटर्न लीप्स ओवर द फेंस इनटू पैराडाइज, व्हाट डज मिल्टन लाइकन हिम टू? तो हमारे पास ने स्लिथरिंग अप अ ट्री, अ जर्म इन्फेंट इन्फेक्टिंग अ बॉय, अ वुल्फ लीपिंग इनटू अ शीप्स पेन, अ फिश लीपिंग आउट ऑफ वाटर। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट ऑप्शन है, अ वुल्फ बीटिंग लीपिंग इनटू अ शीप्स पेन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वाज द फॉरबिडन ट्री? फॉरबिडन ट्री कौन सा था? ट्री ऑफ ग्रेप्स, ट्री ऑफ एप्पल्स, ट्री ऑफ मैंगोज या ट्री ऑफ नॉलेज? तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ट्री ऑफ नॉलेज। ट्री ऑफ नॉलेज से इंसान को, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मना किया गया था, फॉरबिड किया गया था। विच एंजल टेल्स एडम अबाउट द फ्यूचर इन बुक 11 एंड 12? ऑप्शन हमारे पास जो राइट है वो है मिकाइल, यानी बुक 11 और 12 के अंदर जो मिकाइल है वो एडम को बताता है फ्यूचर के बारे में। व्हाट वाज द सीक्वल ऑफ पैराडाइज लास्ट? पैराडाइज 2, री पैराडाइज, पोस्ट पैराडाइज या पैराडाइज रीगेन्ड? तो हमारे पास राइट ऑप्शन है पैराडाइज रीगेन्ड, यानी पैराडाइज रीगेन्ड जो है वो पैराडाइज लास्ट का सीक्वल था। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन हेल? जेम्स, गोल्ड, ऑयल, मिनरल्स। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास ऑयल, यानी जो ऑयल है वो हेल के अंदर दस्तयाब नहीं था। विच स्टेटमेंट अबाउट द अर्थ इज असर्टेड एज ट्रू इन पैराडाइज लास्ट? इट वॉज क्रिएटेड बिफोर गॉड द सन, अर्थ हैंग्स फ्रॉम हेवन बाई अ चेन, द अर्थ इज लोटस फ्लावर, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द मून। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, अर्थ हैंग्स फ्रॉम हेवन बाय अ चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, विच डेविल इज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ पेंडेमोनियम? मल्सिबर, मैमन, मौलक, बेलियल। तो हमारे पास राइट ऑप्शन है मल्सिबर, यानी मल्सिबर जो है वो पेंडेमोनियम का आर्किटेक्ट था, और पेंडेमोनियम क्या था? कैपिटल ऑफ हेल। इन दिस पोएम हाउ मेनी टाइम्स हेवनली म्यूज वाज इनवोक्ड बाय मिल्टन? ऑप्शंस हमारे पास हैं 2, 3, 4 या 5, और राइट ऑप्शन है 3, यानी 3 टाइम्स म्यूज वाज इनवोक्ड बाय मिल्टन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27, हु लीड्स एडम एंड ईव आउट ऑफ पैराडाइज? गॉड, द सन, माइकल, रिफाइल। राइट ऑप्शन हमारे पास है सी, मिकाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स डज मिल्टन इम्यूलेट? वर्जिल, होमर, बोथ वर्जिल एंड होमर, नीदर वर्जिल नॉर होमर। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है सी, बोथ वर्जिल एंड होमर, ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। व्हाट इज द ग्रेट क्वालिटी ऑफ सैटर्न? ब्यूटी, हाइट, क्वाडनेस, इनडोमिटेबल विल। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, इनडोमिटेबल विल। नेक्स्ट हमारे पास, विच डेविल इज सैटर्न्स सेकंड इन कमांड? मैमन, सिन, मौलक, बिल्जिबब। तो राइट ऑप्शन है बिल्जिबब, ऑप्शन डी। हु डिस्कसेस कॉस्मोलॉजी एंड द बैटल ऑफ हेवन विद एडम? गॉड, ईव, रिफाइल, मिकाइल। तो राइट ऑप्शन हमारे पास सी, रिफाइल। विच सीन हैपन्स फर्स्ट क्रोनोलॉजिकली? तो क्रोनोलॉजिकली कौन सा सीन जो है वो पहले हुआ? सैटर्न एंड द डेविल्स राइज अप फ्रॉम द लेक इन हेल, द सन इज चूजन एज गॉड सेकंड इन कमांड, गॉड एंड द सन क्रिएट द यूनिवर्स, द
एंजल्स बैटल इन हेवन। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है, द सन इज चूजन एज गॉड्स सेकंड इन कमांड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द एंजल्स इज कंसिडर्ड अ हीरो फॉर आर्गुइंग अगेंस्ट सैटर्न। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है एब्जेल, अरियल, मिकाइल, रिफाइल, हमारे पास ऑप्शन है और राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट हमारे पास 34, इन एन अटेम्प्ट टू डिफीट गॉड एंड हिज एंजल्स व्हाट डू द रिबेल एंजल्स मेक, अ फोर्ट्रेस, अ कैटापल्ट, अ लार्ज स्वॉर्ड, अ कैनन। तो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन डी, अ कैनन। अकॉर्डिंग टू पैराडाइज लॉस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डज गॉड नॉट क्रिएट, द सन, एडम एंड ईव, कंप्यूटर्स, ही क्रिएट्स एवरीथिंग। तो हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी, ही क्रिएट एवरीथिंग, यानी ऑल दी चीजें, सारी चीजें जो है वो गॉड ने ही क्रिएट की है। नेक्स्ट, हु डज मिल्टन नेम एज हिज हेवनली म्यूज, टाइटेनिया, यूरेनिया, वर्जिल, मिकाइल। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यूरेनिया। नेक्स्ट, व्हाट डज ईव डू व्हेन शी फर्स्ट बिकम्स कॉन्शियस, गो इन सर्च ऑफ हर मेट, टॉक टू द एनिमल्स, लुक एट हर रिफ्लेक्शन इन अ स्ट्रीम, ईट ऑफ द ट्री ऑफ नॉलेज। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास सी, लुक एट हर रिफ्लेक्शन इन अ स्ट्रीम, यानी सबसे पहले जब उनको होश आया, जब उन्हें होश संभाला, तो सबसे पहले ईव ने अपना रिफ्लेक्शन स्ट्रीम के अंदर, पानी के अंदर सबसे पहले अपना अक्ष देखा। शायद मैं कहता होता हूँ कि शायद यही वजह है कि आज भी लड़कियां सबसे ज्यादा टाइम, लड़कियां या औरतें सबसे ज्यादा टाइम शीशे के अंदर गुजारना पसंद करती हैं, खुद को देखना, खुद को संवारना, बंदना संवारना आज भी औरतों को सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि सबसे पहले ईव ने भी सबसे पहले यही काम किया था कि खुद को देखा था, रिफ्लेक्शन अपना अक्ष देखा था। तो तब शीशा तो दस्तयाब नहीं था, स्ट्रीम थी, पानी था, तो उन्होंने पानी में ही अपना अक्ष देख लिया। हु आर सैटर्न्स डॉटर एंड सन, क्योस एंड नाइट, एडम एंड ईव, सिन एंड डेथ, बिलजिबब एंड बेलियल। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास सी, सिन एंड डेथ। नेक्स्ट, हु कॉज्ड द रिबेलियस एंजल्स इनटू हेल, गॉड, द सन, गैब्रियल, मिकाइल। राइट ऑप्शन है बी, द सन। फ्रॉम विच ट्री आर एडम एंड ईव प्रोहिबिटेड फ्रॉम ईटिंग, यानी कौन सी चीज खाने से उनको मना किया गया था, ट्री ऑफ लाइफ एवरलास्टिंग, ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड ईविल, ट्री ऑफ इनसाइट, ट्री ऑफ ईविल बॉर्न बाय सैटर्न। राइट ऑप्शन हमारे पास बी, ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड ईविल। 41 क्वेश्चन देखते हैं, आफ्टर बोथ एडम एंड ईव हैव ईटन द फ्रूट, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दे डू, यानी सबसे पहले जब उन्होंने फ्रूट खाया तो उसके बाद उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, पुट ऑन क्लोथ्स, वर्शिप द ट्री, हैव सेक्स, कोवर अंडर रैथ। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट ऑप्शन, यानी सबसे पहले उन्होंने सेक्स किया जब उन्होंने फ्रूट खाया, उसके बाद यानी वो कॉन्शियस हो गए। बिसाइड्स डेथ, व्हाट पनिशमेंट डू विमेन रिसीव बिकॉज ऑफ द फॉल, टू बी सबसर्वियंट और टू मैन, नेवर टू बी ऑर्डेंड एज मिनिस्टर्स, टू बियर द पेन ऑफ चाइल्ड बर्थ, टू एंड्योर द स्ट्रेस ऑफ मल्टीपल प्रायोरिटीज। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है टू बियर द पेन ऑफ चाइल्ड बर्थ, यानी कहा जाता है कि जो उन्होंने उस टाइम फ्रूट खाया और उनको उसकी वजह से जन्नत से निकाला गया, उसकी पनिशमेंट के तौर पे, सजा के तौर पे, जो औरतें हैं उनको आज भी जो सजा दी जाती है, जो सजा मिलती है वो ये है कि उनका जब बच्चा पैदा होता है तो उनको जो दर्द होती है वो सजा के तौर पे है, पनिशमेंट के तौर पे कंसिडर किया जाता है क्रिश्चियनिटी के अंदर। हाउ मेनी डेज टुक द फॉल ऑफ सैटर्न फ्रॉम हेवन टू हेल, 6, 9, 12 या 14, इन सैटर्न को हेवन से हेल तक जब फेंका गया, वहां से गिराया गया, तो उनको वहां तक पहुंचने में 9 दिन लगे थे। 9 इज द राइट आंसर। 44, ईव इज मोस्ट सरप्राइज
बाय द सर्पेंट्स एबिलिटी टू, यानी ईव जो है उसको सर्पेंट्स की कौन सी एबिलिटी, कौन सी क्वालिटी ने सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया, तो वो थी टॉक, यानी उसका बात करना, बोलना, इसकी वजह से ईव जो थी वो सरप्राइज थी। मिकाइल शोज एडम अ वीजन ऑफ बिब्लिकल हिस्ट्री फ्रॉम द टाइम ऑफ एडम थ्रू द बर्थ ऑफ, ऑप्शन हमारे पास रिफाइल, द रिबेलियस एंजल्स, द सेकंड मैन या जीसस। राइट ऑप्शन इज डी, जीसस। क्लासिकली यूरेनिया इज द म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक, गार्डनिंग, आइडियलिक पोएट्री। राइट ऑप्शन इज एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट हमारे पास 47 है, मिल्टन डिस्क्राइब्स अ यूनिवर्स विद हेवन इन व्हाट पोजीशन एंड विद व्हाट प्राइमरी क्वालिटी, मिडिल प्योरिटी विजडम, टॉप लाइट, बॉटम फॉरगिवनेस, टॉप प्रोफाउंड। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है टॉप एंड लाइट। हु सेड द फॉलोइंग, द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल अ हेल ऑफ हेवन, गॉड, मिल्टन एज द नरेटर, सैटर्न या ईव। तो ये जो लाइन्स हैं ये इस पोएम के अंदर सैटर्न ने बोली। विच फ्रूट वॉज देयर ऑन फॉरबिडन ट्री, रेड एप्पल्स, ग्रीन एप्पल्स, गोल्डन एप्पल्स या ग्रेप। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास गोल्डन एप्पल्स। इसका मतलब है गोल्डन कलर, जो कि आजकल गोल्ड की सूरत में विमेन के लिए अट्रैक्टिव कलर है, तब भी ईव के लिए ये गोल्डन कलर जो था वो बहुत अट्रैक्टिव था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट, सैटर्न, सिन, डेथ, ग्लटनी। तो ग्लटनी इज द राइट ऑप्शन। सैटर्न्स नेम बिफोर ही फेल फ्रॉम हेवन वाज, लूसिफर, मिकाइल, जिब्राइल या इसराफील। तो इसके जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है लूसिफर, यानी सैटर्न का फॉल से पहले जो नेम था वो लूसिफर था। In the phrase, thy seed shall bruise our foe, the seed refers to Saturn, Adam, Eve या Jesus Christ, और right option है हमारे पास Jesus Christ। In the phrase, thy seed shall bruise our foe, thy refers to Saturn, Lucifer, Adam and Eve, यानी इस statement के अंदर जो ये वाली statement हम देख रहे हैं इसके अंदर जो दाई है उससे मुराद ईव है और दी सीड से मुराद जीसस क्राइस्ट है। द टू आर्क एंजल्स हु सर्व एज जनरल्स इन गॉड्स आर्मी आर लूसिफर एंड मिकाइल, लूसिफर एंड गैब्राइल, मिकाइल एंड गैब्राइल या ऑल। तो राइट ऑप्शन हमारे पास ही मिकाइल एंड गैब्राइल। नेक्स्ट हमारे पास फॉर इंस्पिरेशन इन राइटिंग द पोएम, मिल्टन सेज ही डिपेंड्स ऑन The Holy Spirit, Society, His Parents, Saturn. Right option is A, the Holy Spirit. Sin was born out of Saturn's head, rib, side, or chest. Right option हमारे पास head. Eve before the fall might best be described as docile, vain creatures, beautiful lady, wise lady, या all. तो राइट ऑप्शन है हमारे पास डोसाइल वेन क्रिएचर। थ्रू आउट द पोएम सैटर्न ट्रांसफॉर्म्स हिमसेल्फ इनटू मेनी क्रिएचर्स, व्हिच क्रिएचर डज सैटर्न नॉट टर्न इनटू, अ स्नेक, अ सर्पेंट, अ म्यूज या ऑल। राइट ऑप्शन है हमारे पास अ माउस। हु माइट बी कंसिडर्ड द फ्रेंडलीएस्ट एंड मोस्ट सोशलेबल ऑफ ऑल गॉड्स एंजल्स, मिकाइल, गैब्रियल, रफाइल, लूसिफर। राइट ऑप्शन हमारे पास रफाइल। रफाइल को समटाइम राफेल भी प्रोनाउंस किया जाता है। एवरी डे बिफोर द फॉल एडम एंड ईव वेंट आउट टू वर्क, व्हाट डिड देयर वर्क कंसिस्ट ऑफ, टर्निंग टू द गार्डन ऑफ ईडन, किलिंग स्नेक्स, पिकिंग कॉटन या कटिंग ट्रीज। तो राइट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है Tending to the Garden of Eden. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन ऑफ सैटर्न्स फॉल माइट बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज इग्नोरेंस, नॉलेज, इनफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या प्राइड। तो सैटर्न का जो फॉल है वो बेसिकली प्राइड की वजह से था।
The reason for Eve's fall might best be described as wiseness, pride, lust या vanity. तो Eve का जो fall था वो उसकी reason, उसकी वजह basically vanity थी. The reason for Adam's fall might best be described as pride, superiority complex, love for Eve या all. तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन है वो है love for Eve. यानी जो सैटर्न का फॉल है वो प्राइड की वजह से था और ईव का जो फॉल है वो वैनिटी की वजह से था और एडम का जो फॉल है वो लव फॉर ईव की वजह से था. नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द सेकंड डे ऑफ बैटल इन हेवन व्हाट डज सैटर्न यूज दैट सरप्राइजेस गॉड्स फोर्स स्वॉर्ड्स आर्टिलरी हॉर्स या स्टोन्स. राइट ऑप्शन हमारे पास है आर्टिलरी. जब आर्टिलरी का इस्तेमाल किया तो इससे जो गॉड्स फोर्स थी वो हैरान होगी, सरप्राइज होगी, परेशान होगी. एडम सैटर्न एंड ईव हरसेल्फ आर ऑल डेजल्ड बाय ईव्स अगलीनेस ब्यूटी इंटेलेक्ट या नन. ऑप्शन हमारे पास राइट है ब्यूटी. यानी ये सारे लोग जो थे वो डेजल्ड थे ईव्स की ब्यूटी थे, यानी इतनी वो खूबसूरत थी. व्हेन गॉड सीज दैट एडम एंड ईव हैव डिसओबेड हिम हु डज ही सेंड टू Judge them and the snake, the sun, the mouse, a cat, all. तो राइट ऑप्शन हमारे पास the sun. नेक्स्ट हमारे पास है 67. Inspired by Saturn's victory over man, sin and death construct a bridge from hell to earth, heaven to earth, hell to heaven, earth to earth. तो राइट ऑप्शन हमारे पास hell to earth. The Archangel Michael might best be described as firm and militant, covert, social and careless, या all. Right option हमारे पास firm and militant. Then Michael tells Adam what will become of mankind after the fall. He is actually narrating stories taken directly from English Bible, Injil, Zabur, the Hebrew Bible. तो राइट ऑप्शन हमारे पास दी हेब्रियो बाइबल. व्हाट आर दी बेस्ट वर्ड्स टू डिस्क्राइब दी गार्डन ऑफ इडन द वेदर एंड नेचर इन जनरल बिफोर द फॉल ऑफ एडम एंड ईव. ऑप्शन हमारे पास इरेशनल एंड डिसऑर्डर ऑर्डर्ड एंड रैशनल ऑटम या विंटर. राइट ऑप्शन हमारे पास ऑर्डर्ड एंड रैशनल. What are the best words to describe nature and the weather after the fall of Adam and Eve? Ordered and violent, disordered and violent, pleasant ya supreme. Right option hai hamare paas disordered and violent. Next 72. What is Adam's and mankind's punishment for eating the apple? Begging to produce children, to eat vegetables. Getting food from the earth will be difficult. यानी जो इंसानों को सजा मिल रही है, जो पनिश किया जा रहा है वो क्या है? Getting food from the earth will be difficult. यानी जमीन से खाना लेना, यानी रिस्क जो है वो मुश्किल हो रहा है. What is Eve's and women's punishment for eating the apple? और वो है childbirth will be difficult. ये पहले डिस्कस हो चुका है. What is Saturn, the serpent's ultimate punishment for tempting Eve to eat the apple? Fall from heaven, shame, no children, he will be defeated by Jesus Christ. So option D हमारे पास right option है. At the end of the poem, Adam and Eve are forced to go to heaven, go to paradise, leave paradise, या none. Right option हमारे पास C, leave paradise. Paradise Lost was originally written in which language? French, Greek, Latin या English? तो ये English में ही लिखी गई थी. Surprisingly, by the time Milton finally started writing Paradise Lost, he was already deaf, paralyzed, blind या dwarf. तो ये English literature के students को पता है कि जो Milton है वो blind था, कुछ time वो blind रहा था. तो राइट ऑप्शन हमारे पास सी है.
In this world fight between Mikhail and Satan on the second day of the battle in heaven, what does Satan feel for the first time? Good luck, bad luck, happiness या pain? तो इसका right option हमारे पास pain D. This poem is an example of old sonnet, long narrative या farce? Right option long narrative. Milton was influenced by all of the following writers except Wordsworth, Shakespeare, Homer या Spencer. तो इसका right option है Wordsworth, यानी वो Wordsworth थे. According to Milton, God created the universe, the world, the animals and humans in 4 days, 5 days, 6 days या 7 days. तो right option है हमारे पास 6 days. In book 1, which story is depicted? Eden, temptation, evil spirit या fall of man? तो जो book 1 है उसमें fall of man का जिक्र किया गया है. Option D हमारे पास correct option है. Book 2 is story of dash, pride, evil spirit, Eden या all? तो right option है हमारे पास evil spirit. Next हमारे पास है 84. Book 5 is the story of hell, earth, temptation या Eden? राइट ऑप्शन है एडन. हु वाज सैटर्न्स सन? डेथ, सिन, बिलजिबब या लूसिफर? तो राइट ऑप्शन है डेथ. हु वाज सैटर्न्स डॉटर? डेथ, लूसिफर, सिन या ऑल? राइट ऑप्शन इज सिन. मिल्टन इज द एवरी लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट. हु सेड दिस? यस, एलियट, ब्लेक, टेनिसन या कॉलरिज? तो ये कॉलरिज ने कहा था. नेक्स्ट हमारे पास मिल्टन वाज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट. हु सेड दिस? टेनिसन, वर्ड्सवर्थ या कॉलरिज? एंड लास्ट वन ब्लेक. ये कहा था विलियम ब्लेक ने. तो ब्लेक इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम विच लैंग्वेज मिल्टन यूज्ड मैनी वर्ड्स इन हिज पोएट्री? ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन, इटालियन? राइट ऑप्शन इज लैटिन. What is the meaning of the word pandemonium? Large, great hall, palace, all the demons. Right option is all the demons. Which was the highest tree in Eden? Forbidden tree, orange tree, tree of life या tree of death? तो जो right option है वो है tree of death. Next हमारे पास, who were the leaders of God's army? Raphael and Ariel, Michael and Raphael, Jibril and Michael, none. तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, Jibril and Michael. Book 7 is the shortest book of Paradise Lost. How many lines are there? 640, 650, 660 या 680? And right option is 640. How many lines are there in longest book? Book 9. तो आपको पता है बुक 9 जो है वो लॉन्गेस्ट बुक है. तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है? 1089, 1189, 1289, 1389. तो राइट ऑप्शन है हमारे पास 1189. नेक्स्ट हमारे पास, हाउ मेनी डेज स्पेंट ऑन द क्रिएशन ऑफ अर्थ? 6, 7, 8 या 9? तो राइट ऑप्शन है हमारे पास 6. यानी अर्थ की क्रिएशन में 6 days spent हुए, 6 days लगे. God created Eve from Adam's head, arm bone, rib या chest? तो right option है हमारे पास rib. God created Eve from Adam's rib. When God created Eve, that time what was Adam doing? Working in garden, playing, running, sleeping? तो right option है हमारे पास sleeping. Who eats the forbidden fruit first? Adam, Eve, both eat at the same time. तो right option है हमारे पास Eve, यानी सबसे पहले जो fruit था वो Eve ने खाया था. Which angel conveys message of God to Adam and Eve to leave paradise? Raphael, Gabriel, Israfil या Michael? तो right option है हमारे पास Michael. हमारे पास इसका last question है 100. In which year sequel of Paradise Lost was published? तो जो इसका sequel Paradise Lost का जो sequel था Paradise Regained वो publish हुआ था 1971 में. तो इसके साथ ही
ये हमारे 100 एमसीक्यूज पैराडाइज लॉस्ट के कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।